गाइज हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि भाई आपने अपना गेमिंग पीसी कहाँ से बनवाया और आपको ये कितने रुपए का बिल्ड होके पड़ा था, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये बनवाया था दिल्ली नेहरू प्लेस से। एंड गाइज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने मेरे पीसी में कौन कौन से कॉम्पोनेंट यूज किए हैं। गाइज हमारे गेमिंग पीसी बिल्ड में यूज हुई है क्रूशियल की 16 GB की रैम जो कि DDR4 रैम है। एंड अगर गाइज बात करें प्रोसेसर की, तो हमारे यहाँ पे प्रोसेसर यूज हुआ है AMD का राइजन 5600G जिसमें कि 6 और 12 थ्रेड होती हैं। पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई यूज हुई है हमारे यहाँ पे ज़ेब्रोनिक्स की जो कि है 600 वॉट की। मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड यूज हुआ है हमारे यहाँ पे MSI का A520। हमारे गेमिंग पीसी बिल्ड में यूज हुआ है 4 RGB फैन वाला कैबिनेट जिसमें कि 3 RGB फैन आगे लगे हुए हैं एंड 1 RGB फैन बैक में लगा हुआ है। एक गेमिंग पीसी बिना ग्राफिक कार्ड के अधूरा अधूरा लगता है, तो हमने इस गेमिंग पीसी बिल्ड में लगवाया है GeForce GTX 1650 ग्राफिक कार्ड जो कि 4GB का है। अब अगर स्टोरेज की बात करें तो हमने इसमें यूज किया है 1 TB की SSD जो कि है क्रूशियल की तरफ से आने वाले P3 NVMe.SSD। इन सभी PC कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद हमने इन सभी कंपोनेंट्स को अपने कैबिनेट के अंदर फिट करवा दिया। अब बात करें इन सभी कंपोनेंट्स के प्राइस के बारे में, ये मेरे को टोटल पड़ा था 42,000 में। PC बिल्ड होने के बाद भैया ने इसमें इंस्टॉल की विंडोज 10 एंड इसमें जितने भी बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल किए। अब आप हमारे PC का फाइनल रिजल्ट देख सकते हो, तो ये आपके सामने है एंड इसका कुछ ऐसा लुक लग रहा है। आप कॉमेंट करके बताना कि आपको ये वाला PC कैसा लगा। PC का पेमेंट करने के बाद हम आगे घर एंड इसके बाद हमने इसमें इंस्टॉल की GTA 5 एंड GTA 5 को हमने इसमें हाई सेटिंग्स में प्ले किया एंड भाई इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस था वो टोटली भाई आउटस्टैंडिंग गेमिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम प्ले किया था अपने PC पे। जो कंपोनेंट्स हमारे PC बिल्ड में यूज हुए हैं, अगर आप उनको बाय करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो एंड अगर आपको अच्छी लगे तो आप वहां से इनको बाय भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसी वीडियोस के लिए।